हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव गोयल आपका दोस्त एंड होस्ट एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल किड्स केयर पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान जो लेडीज़ हैं, महिलाएं अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक सर्वे हुआ जिससे पता चलता है कि अकेली लेडीज ही नहीं बल्कि जो पिता है, जो होने वाला पिता है, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। उसके क्या क्या कारण है डिप्रेशन में जाने के और उससे कैसे बचा जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, गर्भ अवस्था के दौरान केवल महिलाएं ही नहीं पुरुष भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जब महिलाएं मां बनने वाली होती हैं तो उन्हें कई सारी अनचाही परिस्थितियों और तकलीफों से गुजरना पड़ता है, ये हम सब जानते हैं। डिप्रेशन भी है जो गर्भावस्था के दौरान महिला और पुरुष दोनों को अपने घेरे में लेता है। यह शायद सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन ये सत्य है कि हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार शोधकर्ताओं ने पाया कि पहली बार पिता बनने वाले पुरुष भी अपने साथी के डिप्रेस रहने के दौरान खुद भी डिप्रेस रहते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस रिसर्च टीम ने अपनी यह रिसर्च 6 महीने तक 622 वर्षों पर की है। ये सभी के सभी पुरुष पिता बनने वाले थे। इस रिसर्च में इन पुरुषों को एक क्वेश्चनेयर दिया गया जो उनके मूड, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप क्वालिटी, सोशल सपोर्ट, शादीशुदा लाइफ, फाइनेंशियल स्टेटस और डेमोग्राफिक्स पर आधारित थे। इस रिसर्च के अनुसार 13.3% यानी कि 13.3% पुरुषों में डिप्रेशन के लक्षण पाए गए। रिसर्च में यह भी पाया गया कि जिन पुरुषों के सोने के नियम सही नहीं थे उनमें डिप्रेशन के लक्षण अधिक देखने को मिले। डिप्रेशन की स्थितियां और कारण क्या थे? सबसे पहले है फाइनेंशियल स्ट्रेस। घर में जब बच्चा आने वाला होता है तो फाइनेंशियली सारी जिम्मेवारी पुरुषों पर आ जाती है जो उनमें फाइनेंशियल स्ट्रेस का कारण बनती है और आगे चलकर यह डिप्रेशन का भी कारण बन सकती है। उसके बाद आता है मूड। उम्मीद के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान पत्नी का अधिक ख्याल, घर की जिम्मेवारी और ऑफिस की जिम्मेदारी के साथ साथ कई तरह की जिम्मेवारियां जेंट्स पर आ जाती है जिससे वो अंदर ही अंदर तनाव के घेरे में आ जाते हैं और डिप्रेशन में जाने का डर रहता है। उसके बाद आता है शादीशुदा लाइफ। अब तक इस घर में आप दो ही थे लेकिन अब कोई आने वाला है। पत्नी का जो पूरा ध्यान है अपने होने वाले बच्चे पर रहता है। ऐसे में पति यह सोचकर कि अब मेरा ज़्यादा ध्यान मेरी तरफ नहीं जाएगा, उससे भी उसका मूड अपसेट रहता है, वो स्ट्रेस में रहता है और ज़्यादातर जेंट्स जो है इसकी वजह से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके बाद आता है सोशल सपोर्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे ही लेडीज़ जो है प्रेग्नेंट होती हैं तो घर वाले और रिश्तेदार सभी लोग लेडीज़ का ख्याल रखने में लग जाते हैं। ऐसे में पुरुष के स्वास्थ्य पर किसी का ध्यान नहीं जाता और साथ ही पुरुषों की कई हद तक दोस्तों के साथ भी सोशल लाइफ कट जाती है जिससे वो अंदर ही अंदर चिड़चिड़े हो जाते हैं और स्ट्रेस फील करने लगते हैं, उनका तनाव बढ़ जाता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। पार्टनर का डिप्रेस होना, अक्सर हम देखते हैं कि गर्भवती महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन में चली जाती हैं। अगर किसी का पार्टनर डिप्रेस है तो संभव है, स्वाभाविक है कि उसमें जो पुरुष है वो भी डिप्रेशन में कई बार उसको देखकर ही डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी, अगर मदर को प्रेगनेंसी है, पहली बार कोई पिता बन रहा है, वो उसको तनाव हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। तो इसको रिलैक्स करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फैमिली के साथ दें, उनके साथ अपने तनाव के बारे में बातें करें और ध्यान रखें अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे का। भविष्य को देखते हुए आप अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। तो कृपया आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल किड्स केयर। थैंक यू, धन्यवाद।